नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। बिहार में कोरोना का संक्रमण अब काफी तेजी से फैलने लगा है। आपको बताते चले कि सूबे में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 96 पहुंच गई है। रविवार को बिहार में कोरोना के 10 नए मामले सामने आ गए। बिहार में किसी डॉक्टर को कोरोना होने का पहला मामला भी नालंदा के बिहार शरीफ से आया है। बिहार शरीफ PHC प्रभारी का कोरोना संक्रमित पाया गया। रविवार को नालंदा के बिहार शरीफ की जो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो एक डॉक्टर बताए जा रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि बिहार शरीफ PHC के प्रभारी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर भी दुबई से आया, कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे। यानी कि बिहार में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 93 से बढ़कर 96 पहुंच गई है। और एक बार फिर से आपको बताया चले कि बिहार में कोरोना का संक्रमण जो तेजी से फैलने लगा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 96 पहुंच गई है, 96। और रविवार को बिहार में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए, और जो तीनों मामले सामने आए हैं वो मुंगेर जिले के बताए जा रहे हैं। जी हाँ, मुंगेर जिला से 3 कोरोना पॉजिटिव केस और मिला है, और अब यह संख्या 93 से बढ़कर 96 हो गई है। आपको ये भी बता दें चले कि बिहार शरीफ PHC के डॉक्टर प्रभारी जो है बताए जा रहे हैं, और डॉक्टर को भी कोरोना पॉजिटिव आया, और पहला ऐसा मामला है जो डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो राज्य सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कह सकते हैं कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो सामने देखने को मिल रहा है कि आखिर कोरोना के मामले घटने के बजाय आखिर बढ़ता क्यों जा रहा है। जबकि सोशल डिस्टेंस से अब तो लॉकडाउन फेज 2 का जो 6th दिन है 20 अप्रैल की तारीख, और कई जगहों पर आज छूट भी दी जा रही है, लेकिन प्रशासन सरकार बशर्ते यह छूट दे रही है, हर जगहों पर नहीं, लेकिन हाँ जरूरी सेवाओं को ही छूट दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है क्या इस तरह की छूट क्या भारी पड़ेगा लोगों पर, क्या कोरोना का कहर क्या रुक पाएगा, या फिर जिस तरह से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं क्या ये आंकड़े रुकेंगे या फिर यूं ही बढ़ता जाएगा। बहरहाल प्रशासन और सरकार के लिए बहुत ये सवाल भी उठ रहा है कि कैसे ये लोग कोरोना योद्धा के रूप में जिस तरह से काम कर रहे हैं, आखिर कोरोना संक्रमण रुकने में कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और कहीं ना कहीं हो भी सकता है कि अगर लॉकडाउन आगे भी अगर बढ़ाया जाता है तो ये देखने को मिल सकता है कि शायद कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो सके। लेकिन इस वक्त की यही खबर आपको ये बता दी जा रही है कि बिहार में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 93 से बढ़कर 96 पहुंच गई है। 3 और नए मरीज मिले हैं जो मुंगेर से बताए जा रहे हैं। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशन भारत एक बार फिर से अपील करता है कि लॉकडाउन फेज 2 का ये 6th दिन है, 20 अप्रैल को जरूरी सेवाओं के तहत ही छूट दी जा रही है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन न करें, क्योंकि बिहार के DGP का साफ निर्देश है कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, बेवजह सड़कों पर घूमेंगे तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है और आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।